गाजीपुर बॉर्डर पर कल 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड को लेकर भिन्न भिन्न किसान नेताओं के द्वारा जानकारी ली। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन मध्य प्रदेश से राहुल राज जी आए हुए हैं। राहुल राज जी से आप कुछ जानकारी लेंगे। राहुल राज जी, ट्रैक्टर रैली के लिए आपका क्या आपने तैयारी की हुई है, जरा बताएंगे कुछ? देखिए, यूं तो बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश सहित पूरे राज्य के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अन्य बॉर्डर पर भी बैठे हैं, और विशेष तौर पे क्योंकि ट्रैक्टर परेड कल है तो लोगों में बहुत उत्साह है। बहुत आयात में युवा किसान मध्य प्रदेश से ही और अन्य राज्यों से यहाँ पहुँच रहे हैं और बड़ी अनुशासन ढंग से हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसको पूरे सम्मान के साथ हम कल ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और अनुशासन हमारे अभी तक के आंदोलन की सबसे बड़ी आधारशिला है, सबसे शक्तिशाली स्तंभ है, तो वो कायम रहेगा और कल भी आपको उसी का प्रतिबिंब हमारी इस परेड में देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं आपको ट्रैक्टर रैली को लेकर, मार्ग को लेकर, कि कहीं पर कुछ बंदिश लगाई गई हो? नहीं, सरकार के साथ निरंतर बातचीत जारी है। हर बॉर्डर का अपना एक रूट मैप तय हो रहा है। गाजीपुर के लिए भी रूट मैप लगभग तय है और जो थोड़ी बहुत उसमें त्रुटियां थी उसको सुधार के लिए अभी कलेक्टर साहब आए थे तो आदरणीय सिंह साहब के साथ बैठ के चर्चा चल रही है। तो सरकार के साथ सामंजस्य बैठा कर ही, ताकि किसी आमजन को तकलीफ ना हो और हमारी जो राष्ट्रध्वज की परेड, देखिए ये कोई नई बात नहीं है। अभी आज लोगों को लग रहा है कि आंदोलन चल रहा है इसलिए किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। हर वर्ष जब 26 जनवरी आती है, आपके सोशल मीडिया तो अभी अभी पॉपुलर हुआ है, नहीं तो वीडियोज़ आप वायरल करके पुराने देखेंगे तो आपको कई वीडियोज़ मिल जाएंगे जब आदमी ट्रैक्टर राष्ट्रध्वज लगाता है, वहाँ अपने जो भी गांव देहात उसमें रैली निकलती है और कल भी, इनफैक्ट कल भी निकलेंगी। आप देखिएगा हर राज्य में, हर कस्बे में ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। अब चूंकि हम जो राष्ट्र त्यौहार है हमारा गणतंत्र दिवस है उस पर दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हैं तो हमारे पास यहाँ परेड निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब इतनी तादाद में किसान यहाँ बैठा है और किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं होता है, वो देश का पेट पालता है उत्पादन करके और उसी का बेटा फौज में जाता है। आप देखिए फौज में पुलिस में अधिकतर कौन है, बिलो जो मध्यम वर्ग से नीचे वाले लोग हैं वही हैं। और ऐसे में जब किसान राष्ट्रभक्त है तो वो अपना जो परेड है वो अगर शांतिप्रिय ढंग से कर रहा है तो आपने क्या योजना बनाई है कि सरकार आपकी जो जो मांगे हैं वो पूरी कर लेगी, तब आप इस आंदोलन को आप बंद करेंगे या यहाँ से चले जाएंगे? कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो डे वन से जब से आए हैं तब से कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए और तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। अब ये सरकार कल परेड के बीच में वापस ले ले तो परेड करके घर चले जाएंगे। भाई हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम जरूरी है, बाकी सारी बातें अलग हैं। इन दो बातों के अलावा तीसरी बात मुझे नहीं लगता किसी किसान नेता या किसी किसान ने या किसी किसान संगठन ने करी है। सरकार कल परेड के बाद भी बोल रहे हैं कि साहब ये कानून हम वापस ले रहे हैं जो भी लीगल तरीका है उससे, और एमएसपी की खरीद पर गारंटी का कानून बना रहे हैं। ये दो बातें हो जाएंगी, सब घर चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता, आप किसी से पूछ लो कौन रुकने को तैयार है हमारी, लेकिन ये दो बातें पूरी होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन मध्य प्रदेश के श्री राहुल राज जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कुछ अपने द्वारा तैयार किए हुए दिशा निर्देश पर उन्होंने अपने विचार रखे और बताया। मैं 24 न्यूज़, देवेंद्र वत्स।